मुझे है मिट्टी की। लेकिन अब वक्त प्रचार का हो चला है। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा। देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं। पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड यानी कि किसानों का गढ़ यानी 27 सीटों का वो मैदान जहां पर विजय यानी कि यूपी की फतह की तरफ एक कदम यानी संसद में अंकों का दबदबा। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने पिछले सारे समीकरणों को ढेर कर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 27 में से 19 सीटों को अपने खाते में डाल दिया था। समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए मैदान में उतरी बहुजन समाजवादी को संयुक्त 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था तो कांग्रेस का यहाँ से खाता भी नहीं खुल पाया था। इन 19 अंकों में सहारनपुर शामिल न हो सका था। बीजेपी मुस्लिम और दलित वोटरों वाली सहारनपुर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। ऐसे में इस बार वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। सहारनपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर के बावजूद पिछली बार हार गई थी। तब वहां से बीएसपी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, उनकी तादाद 35% से ज्यादा है। इस सीट पर दलित मतदाता भी निर्णायक हैं और उन पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है। कांग्रेस से इस बार फिर इमरान मसूद मैदान में है जिनके खिलाफ बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहां वोटिंग है और समय बहुत कम है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से INDIA गठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, NDA मोदी सरकार मिशन के लिए है। दावा ये भी कि इस चुनाव में पश्चिम में दोबारा बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली है। पीएम ने काफी सोच समझकर RLD के साथ मंच साझा करने की सोची है क्योंकि यहाँ अगर 27% मुस्लिम आबादी है तो जाट 17% है, SC 25%, गुर्जर 4%, राजपूत 8। प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर तक ही नहीं रुकने वाले, इसके बाद वो शाम को गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। दावा है कि इस रोड शो में कई राज्यों की झलक देखने को मिलेगी और इसे वहां जुटे जन समर्थन ने चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक दल सियासी दांव आजमा रहे हैं। बसपा अकेले दम पर मैदान में है। बीजेपी ने RLD को अपने खेमे में शामिल किया है। कांग्रेस, SP और अन्य दल इंडिया गठबंधन में रहकर ताल ठोक रहे हैं। कहते हैं संसद का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, या यूं कहें कि सत्ता पर सरदार को बिठाने में यूपी अहम रोल अदा करता है। इस राज्य में अपनी पैच को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए पीएम मोदी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने इस बार गाजियाबाद लोकसभा सीट से अतुल गर्ग को अपना प्रत्याशी चुना है जिनके हक में वोट की अपील करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरेंगे। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह बीजेपी में शामिल होकर 2014 से गाजियाबाद से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन इस बार बीजेपी ने विधायक अतुल गर्ग को टिकट दिया और कांग्रेस ने एक बार फिर डॉली शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। गाजियाबाद में पीएम के रोड शो से बीजेपी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खास संदेश देने की कोशिश में है।
गाजियाबाद सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। 400 सीट के अपने लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी हर कोशिश करेगी। यूपी हो या राजस्थान, हर एक गढ़ में, हर राज्य में 2019 की अपेक्षा बीजेपी अपने आंकड़ों को बेहतर करने की तैयारी में है। इलेक्शन धमाका में अब कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। जयपुर की रैली में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कल दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद सोनिया गांधी जयपुर पहुंची थी। साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और इस रैली में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की खासियत जनता को बताई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना, आरक्षण के 50% की लिमिट को हटाने, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, संसद में महिलाओं के लिए फौरन आरक्षण को 30 और आगे बढ़ाने और 30 लाख सरकारी नौकरी देने जैसे कई वायदे किए। तो सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी ने मोर्चा संभाला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह पार्टी हमेशा न्याय करती है। और जयपुर में सोनिया गांधी ने कहा, इंडिया गठबंधन न्याय की लड़ाई के लिए अब एक साथ आ चुका है, तो बीजेपी भी पलटवार की मुद्रा में आई और कांग्रेस को अन्याय करने वाली पार्टी करार दे दिया। स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था, इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मतिम पर गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार पड़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी। इतना बड़ा पैकेज और ये आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक गौरव के साथ कभी न्याय नहीं, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ कहते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही झूठ का पुलिंदा बताया। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं है। जैसा कि मोदी झूठ बोलते